नगर निगम दुर्ग द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था ठीक किए जाने को लेकर लगातार बाजारों में अभियान चलाकर सड़क पर दुकान लगाने वालों को सिर्फ समझाइश देकर अपनी खानापूर्ति की जा रही है। निगम की टीम की वापस लौटते ही वहां की व्यवस्था जस की तस नजर आती है। दुर्ग नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी के निर्देश के बाद नगर निगम टीम द्वारा इंदिरा मार्केट, शनिचरी बाजार सहित विभिन्न भीड़भाड़ वाले इलाकों से ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से सुनिश्चित कराने अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम टीम द्वारा कई बार बाजार में सड़क में फैलाकर व्यवसाय करने वाले फुटकर व्यवसायियों को समझाइश देकर उनका सामान हटवाया गया, मगर बाद में यहां की व्यवस्था जस की तस ही नजर आई। गौरतलब है कि मंगलवार को भी दुर्ग नगर निगम टीम द्वारा समझाइश की मियाद खत्म होने के बाद भी चालानी कार्रवाई करने से अधिकारी व कर्मचारी गुरेज कर सिर्फ खानापूर्ति कर अधिकारी बाजार की गलियों से गुजरते हुए नजर आए। क्या समझाइश और चालानी कार्रवाई का अभियान सिर्फ निगम का पैसा और समय की बर्बादी है? अगर नहीं तो आखिर कब और किस तरह सुधरेगी इन बाजारों की व्यवस्था? इसी कड़ी में व्यवसाय करने वाले दुकानदार ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। हम लोग दुकान में घुसते नहीं, गाड़ी नहीं घुसते कुछ, हम लोग टैक्स पेड हैं और यहाँ पे 20 फीट दुकान कब्जा करके बैठे हैं और साल में 200 रुपये 250 रुपये दे रहे हैं, इनके ऊपर कुछ किए जाए। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या हम चाहते हैं? हमारा रोड चौड़ा हो, हर चीज़ का सुविधा हो, यही हम चाहते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।